अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स वेज रेसिपी। स्पेशली विंटर के मौसम में तो ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने गोभी गाजर को अच्छे से वॉश कर लिया, देन मैंने यहाँ आलू और मटर ले लिया है, और यहाँ पर मैंने एक प्याज कट कर लिया बड़े साइज़ की। तो यहाँ चार टमाटर लिए, इसे हम बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने से ना इसका सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अलग आता है, तो आप बॉईल करके ज़रूर डालिए। तो यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक ले लिया है। देन यहाँ पर मैं टमाटर को कर लूँगी अच्छे से बॉईल, और इसकी मैंने स्किन रिमूव कर दिया और मैंने इसे मिक्सर जार में ऐड कर लिया। इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैं सबसे पहले अपनी सारी वेजीज फ्राई कर लूँगी। तो सारी सब्जियों को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो सब एक साथ डाल के कर ले, या अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो देखिए सब्ज़ी पर अच्छा सा कलर आ जाना चाहिए, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। और ये सब्ज़ी ना मैंने बिल्कुल अलग स्टाइल से बनाई है, आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो मैंने ना सारी सब्ज़ियाँ एक साथ डाल दी, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता, तो मैंने सोचा बस गोभी को मैंने बहुत अलग से अच्छे से फ्राई कर लिया है। देन मैंने यहाँ पे सारी सब्ज़ियाँ ऐड कर दी है, जैसे गाजर, मटर, आलू, और इनको भी मैंने बहुत अच्छे से कर लेना है फ्राई, एकदम थोड़ी सी ना क्रिस्पीनेस आ जाए इस सब्ज़ी में। तो ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल में मैंने बनाई। तो देखिए यहाँ पे सब्ज़ी मेरी अच्छे से हो गई है फ्राई। तो मैंने सब्ज़ी को अलग प्लेट में निकाल लिया है। देन मैंने थोड़ा सा ऑयल ऑन लिया है, उसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है। देन मैं यहाँ पर अपनी प्याज़ें ऐड कर दूँगी। प्याज को मुझे लाइट गोल्डन कर लेना है। देन लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, और जो मैंने स्पाइसेस बताए थे वो सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए। तो यहाँ पर मैंने मसाला अच्छे से भून लिया। देन मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया, और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, और इसे हमें ढक कर 5 से 7 मिनट अच्छे से कुक कर लेना, ताकि सारे मसाले और टमाटर मेरे अच्छे से भुन जाए। तो देखिए मसाला यहाँ पर माशाल्लाह बहुत अच्छे से भुन गया है। तो बस यहाँ पर मैं अपनी सारी फ्राई सब्ज़ियाँ ऐड कर दूँगी। तो इसे बहुत अच्छे से कर लेना है मिक्स, बहुत अच्छे से हमें इसे फ्राई करना है मसाले के साथ सब्जियों को। तो आप मिक्स वेज ज़रूर से ट्राई करिएगा, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनी थी। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने सब्ज़ी को अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैंने आधे कप के करीब पानी ऐड कर दिया, और इसे मैंने लगा दिया है 10 मिनट का दम मीडियम फ्लेम पर। तो आप भी इसे 10 से 15 मिनट कुक कर सकते हैं। मुझे ना थोड़ी क्रंची सब्ज़ियाँ अच्छी लगती है, अगर आप ओवर कुक करना चाहते हैं तो आप 15 मिनट कदम लगा दीजिएगा। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने एक बार सब्ज़ी को मिक्स करके ढक दिया था, ताकि अरोमा आ जाए अच्छा सा। आप लास्ट में हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, तो मैंने ऐड नहीं किया है हरा धनिया। तो बस यहाँ पर देखिए ये मेरी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर आया है, और देखिए बिल्कुल परफेक्टली कुक हुए हैं आलू वगैरह। तो बस यहाँ पर गैस कर दूंगी मैं ऑफ, और इसे मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आप इसे रोटी, पराठे या चपाती के साथ इंजॉय कर सकते हैं। मैंने इसके साथ पराठे बनाए थे, तो पराठे से मुझे ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप इसे डिनर में या आप सुबह ब्रेकफास्ट में इसे आराम से इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी, और हेल्दी भी बहुत है, क्योंकि इसमें इतनी सारी वेजीज है। आप इसमें ना कैप्सिकम वगैरह भी डाल सकते हैं। सो आई होप आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।